नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 के बारे में वैसे ये एक्ट पहले ही पास हो गया था अब जाके गवर्नमेंट रूल्स नोटिफाई किया है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन से हम डिस्कस करेंगे वैसे रेलवेंट टॉपिक है ध्यान से सुनिएगा

एक प्लास्टिक प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस प्रोडक्ट का एनवियोमेंटली साउंड मैनेजमेंट जब तक वो प्लास्टिक प्रोडक्ट का लाइफ खत्म नहीं होता है तब तक उस प्रोडक्ट का साउंड मैनेजमेंट प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है ना ये बेसिकली इसलिए किया है टू फास्ट ट्रैक द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज एंड प्रमोट प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक भी है उसे कंप्लीटली एलिमिनेट करना है एंड उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव है तो उसे प्रमोट भी करना है वैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या कहता है देखिए इन रूल्स के अंदर जितने भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर्स है उन्हें कुछ स्टेप्स लेना है जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन मिनिमाइज करना है प्लास्टिक वेस्ट जो लोग फेंकते हैं उसे कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना है एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट सोर्स भी इंश्योर करना है मतलब देखिए अगर आप प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो उस को स्टोर करने का कुछ स्टेप्स भी आपको लेना चाहिए और इन रूल्स के अंदर लोकल बॉडीज को ग्राम पंचायत को वेस्ट जनरेटर्स को रिटेलर्स को एंड स्ट्रीट वेंडर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए अब दोस्तों प्रोविशंस अंडर द न्यू रूल्स कौन कौन सा है देखिए प्लास्टिक्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है कैटेगरी वन मतलब क्या है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी देखिए जो प्रोडक्ट्स में एकदम स्ट्रॉन्ग वाला प्लास्टिक पैकेजिंग होता है ना दोस्तों कैटेगरी वन में डाला हुआ है कैटेगरी टू में जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग है बेसिकली जो सिंगल लेयर और मल्टी लेयर जो कवरिंग होता है उसी को कैटेगरी टू में डाला हुआ है फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक शीट्स हो गया या फिर जो कवर्स हो गया जो प्लास्टिक शीट से बनते हैं कैरी बैग्स हो गया प्लास्टिक हो गया उचेस हो गया ये सारे कैटेगरी टू में आता है फिर कैटेगरी थ्री कैटेगरी थ्री में मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग मतलब देखिए एटलीस्ट वन लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड एटलीस्ट वन लेयर ऑफ मेटीरियल अदर देन प्लास्टिक जिसमें एक तो प्लास्टिक का पैकिंग रहेगा उसके अलावा और एक मेटीरियल का पैकिंग रहेगा इसको कैटेगरी थ्री में डाला हुआ है कैटेगरी फोर में क्या है प्लास्टिक शीट और लाइक यूज फॉर पैकेजिंग एज वेल एस कैरी बैग्स मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी देखिए जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स है कंपोस्टेबल मतलब क्या होता है जो मतलब इजीली डीकम्पोज होता है उन प्लास्टिक्स को डाला हुआ है कैटेगरी फोर में मेरा कहने का मतलब है ये जो कंपोजेबल प्लास्टिक है ये बायोडिग्रेडेबल है ये नॉर्मल प्लास्टिक्स की तरह नहीं है ये रिन्यूएबल मटेरियल से बनाया जाता है और ये नॉन टॉक्सिक भी है और क्या है प्लास्टिक पैकेजिंग री यूज ऑफ रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मेटीरियल हैज बीन मैंडेटेड ये जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मेटीरियल है जो कैटेगरी वन में आता है इन्हें रीयूज़ करना है बेसिकली रीसाइकिल करना है उससे क्या होगा ये जो फ्रेश प्लास्टिक मेटीरियल का यूसेज है ये रिड्यूस हो जाएगा इसके साथ साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हर एक प्लास्टिक प्रोड्यूसर को एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है फॉर रिसाइकलिंग मतलब अपने प्रोड्यूस का कुछ लेवल जो है उन्हें रीयूज करना है या फिर रिसाइकिल करना है इसे क्या होगा इट विल फर्दर रिड्यूस प्लास्टिक कंसप्शन एंड सपोर्ट रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट तो ये ईपीआर के अंदर दे रहा है मतलब अपने प्रोड्यूस का एक मिनिमम लेवल जो है उन्हें रीयूज करना है इसके साथ साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रहा है ये क्या है देखिए रूल्स के मुताबिक हर एक प्लास्टिक प्रोड्यूसर के पास ई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अगर किसी के पास ई सर्टिफिकेट नहीं है और उसे प्लास्टिक प्रोड्यूस करना है तो वो दूसरे से खरीद भी सकता है चाहे तो कोई एक प्लास्टिक प्रोड्यूसर जिनके पास ई सर्टिफिकेट है उनका उतना प्लास्टिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो दूसरे को बेच भी सकता है जो भी है इधर एक मार्केट मेकानिजम सेटअप हो रहा है फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट तो इधर मैनेज हो रहा है, है कि नहीं और क्या है एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाएगा बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें सारे प्रोड्यूसर्स को इंपोर्टर्स को ब्रांड ओनर्स को प्लास्टिक बेस्ड प्रोसेसर्स को रजिस्टर करना है और अपना एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करना है अब देखिए ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जितने ऑर्डर है गेटलाइंस है वो सब कुछ के लिए एक सिंगल पॉइंट डाटा रिपोर्टरी होगा सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल और क्या है एनवियोमेंटल कॉम्पनसेशन इधर कॉम्पनसेशन की बात किया जा रहा है दिस विल बी लवीड बेस्ड अपॉन पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल इसका मतलब क्या है देखिए पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल इंपोसेस लाइबिलिटी ऑन ए पर्सन हु पोल्यूट द एनवाइट टू कॉम्पनसेट फॉर द डैमेज जो पर्सन एनवाट को पोल्यूट करेगा उन्हीं को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जो डैमेज वो क्रिएट किया होगा एनवाट के लिए तो इसके लिए पैसे वैसे लेगा उनसे इसको बोलता है पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल तो ये जो एनवायमेंटल कॉम्पनसेशन है ये पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ईपीआर टारगेट्स पे प्रोड्यूसर्स इंपोर्टर्स ब्रांड ऑनर्स एक्सेट्रा देखिए जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सबके ऊपर दिया हुआ है सारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर अगर कोई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के जो टारगेट्स है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा देखिए बेसिकली हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है एनवायरमेंट को प्लास्टिक पोल्यूशन से बचाना है तो ये जो एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको कॉम्पनसेट भी तो करना पड़ेगा तो वो कॉम्पनसेशन भी लिया जाएगा इसे बोलते हैं एनवियोमेंटल कॉम्पनसेशन इसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट ऑन ईपीआर पोर्टल भी लिया जाएगा देखिए जितने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी से उन्हें भी टास्क दिया हुआ है इन्हें एनुअल रिपोर्ट ऑन ई पोर्टल भी सबमिट करना है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स फुलफिलमेंट बे प्रोड्यूसर्स इम्पोर्टर्स ब्रांड ओनर्स प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करना होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ को यह है एनुअल रिपोर्ट ऑन ई पोर्टल नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडलाइंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए आप सबको पता है प्लास्टिक वेस्ट का एक्यूमुलेशन एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है ये हमारी वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करते हैं प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में पहुंचने से मारे नको के लिए खतरनाक है तो देखिए ये जो नए गाइडलाइंस में स्ट्रिक्ट प्रोविजन है उसे प्लास्टिक पोल्यूशन का काउंटर करने के लिए नए नए अल्टरनेटिव के बारे में लोग सोचेंगे क्योंकि प्रोड्यूसर को जब आप रिस्पॉसिबिलिटी दोगे वो खुद सोचने लगेगा सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक सकता है एंड ये जो गाइडलाइंस है इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है जो री शेयरिंग रिपेयर रीफर्बिशमेंट रीमैन्युफैक्चरिंग रिसाइकिलिंग ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है मेरा कहने का मतलब है दोस्तों एक सर्कुलर इकोनमी में वेस्ट बहुत कम जनरेट होता है क्योंकि एक प्रोडक्ट का लाइफ जब खत्म होता है उस प्रोडक्ट में काफी ऐसे कम कंपोनेंट्स होगा जिसे री कर सकते हैं जिसे रिफर्बिश कर सकते हैं या फिर उन कंपोनेंट से कुछ प्रोडक्ट्स को रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं उसे क्या होगा एक तो यूसेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम होगा क्योंकि बाहर से और रॉ मटेरियल्स लाने की जरूरत नहीं है वही जो वेस्ट है उसी से हम नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वेस्ट जनरेशन बिल्कुल कम हो जाएगा एंड ओबी उसी बात है पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस भी कम होगा क्योंकि जितना वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा उतना कम पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस होगा ठीक है अब देखिए कुछ डाटा भी है इंडिया जनरेट्स अबाउट 3.4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इंडिया जनरेट करते हैं एनुअली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टू हंड्रेड सिटीज इन इंडिया भी 2024 मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में हंड्रेड सिटीज तक प्रोग्रेस करना है एंड दो हजार चौबीस तक हमारे जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रिपल करने का प्लान है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का ठीक है बहुत अच्छी बात है तो दोस्तों दैट्स इट फाइनली कुछ अदर इनिशिएटिव्स के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे विच वे टेकन टू कर प्लास्टिक वेस्ट सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन ओबीसी दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी ऐसे प्रोविशन है प्लास्टिक वेस्ट को भी मैनेज करने का फिर एक इंडिया प्लास्टिक पैक्ट ये एशिया का पहला प्लास्टिक पैक्ट आप बोल सकते हो ये सितंबर में लॉन्च हुआ था इन कोलैबोरेशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ठीक है फिर एक प्रोजेक्ट रीप्लान था रीप्लान का मतलब होता है रिड्यूसिंग प्लास्टिक्स इन नेचर

ये लॉन्च किया गया था बाई द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया और एक है गो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ये देखिए इट वॉज लॉन्च बाई इंटरनेशनल मर ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इनिशियल फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे तो देखिए ये सारे प्रोजेक्ट से आपको ये पता चल रहा होगा दुनिया भर का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए क्योंकि ये सब समझते हैं प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करना कितनी जरूरी है और ये गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का एम क्या है टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मरीन प्लास्टिक लिटर फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज शिपिंग एंड फिशरीज के थ्रू जितना मरीन प्लास्टिक लिटरिंग होता है वेस्टेज बनता है उसे प्रिवेंट करने का रिड्यूस करने का तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट आई होप आपको समझ में आया होगा वैसे ये जो प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट है ना दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक अपने नोट्स में इनकॉपरेट कीजिएगा लक्ष्य का पी डी एफ एस सूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया सॉरी फॉर दैट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इतना लंबा वीडियो आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं और छोटा करो या नहीं पर देखें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता बता के इतना लंबा हो जाता है ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई डे